नमस्कार, सी न्यूज भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। वक्त हो चुका है टॉप 10 का, तो चलिए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की 10 बड़ी खबरों पर। बाढ़ पीड़ितों से मिलने पहुंचे श्रावस्ती में सीएम योगी, अफसरों को दिए निर्देश, पूरी तैयारी रखें। लीक मामले में आरोपी रॉकी को 10 दिन की सीबीआई हिरासत में भेजा गया। बिजली गिरने से 4 की मौत, सीएम नीतीश ने किया 4-4 लाख की मदद का ऐलान। मुनक नहर टूटने से दिल्ली के कुछ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पानी का प्रोडक्शन हुआ कम। बवाना की जेजे कॉलोनी पहुंची मंत्री आतिशी, मुनक नहर टूटने से वहां भर गया है पानी। डिजिटल अटेंडेंस को लेकर वाराणसी में बीएसए कार्यालय पर शिक्षकों का प्रदर्शन, जताया विरोध। अब कहीं भी होगी पढ़ाई, मेरठ विकास प्राधिकरण ने लगाई 30 स्ट्रीट लाइब्रेरी। अलीगढ़ डीआईएस सर्वदानंद ने की बैठक, 18 साल से कम के विद्यार्थी बाइक से आए तो होगी कार्रवाई। दिशा सालियान मौत मामले में बीजेपी विधायक नितेश राणे को मुंबई पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया। कठुआ हमले पर जम्मू कश्मीर और पंजाब पुलिस की हाई लेवल मीटिंग। फिलहाल टॉप 10 न्यूज में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।